आइए आपको अब सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आज पहला लता मंगेशकर सम्मान दिया जाएगा और वहां पर ये बड़ा कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया है, देखिए 80 सालों से 24 ये पहला सम्मान आज दिया जाएगा और वहां की ये सीधी तस्वीरें हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नमन किया जाता है सेरेमनी, जहां पर ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री को भी आज ये पहला अवार्ड जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रज्वलन वो दिया जाएगा, प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। फिल्हाल दीप प्रज्वलित शुभारंभ इसका किया जा रहा है। आज शत्रुबुद्धि लता दीदी के पिता दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि। नमोस्तुते। मंगेशकर परिवार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ बैठने आ रहे हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। देवियों और सज्जनों, मेरी नजर में कम से कम एक मंगेशकर ने संगीत शिक्षा को प्राथमिकता न देकर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, निभाते आ रहे हैं। आदिनाथ मंगेशकर पर्दे के पीछे लाइमलाइट से दूर अपनी फर्ज निभाते जाते हैं और वो भी बखूबी। बल्कि उनका सिद्धांत है प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट के, अगर काम सही हुआ तो क्रेडिट आपकी, अगर कोई गलती हुई तो वो गलती मेरी। आदिनाथ मंगेशकर युवावस्था से ही परिपक्व निर्णय लेने के आदि है। आज भी आप अपने पिता पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की जगह संभाल रहे हैं। देवियों सज्जनों, स्वागत शब्दों के साथ आदिनाथ मंगेशकर। तो लता दीदी के नाम पर आज इस अवार्ड को, आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल है क्योंकि उन्हें ये पहला अवार्ड दिया जाएगा। देखिए आप उस वक्त की और वहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं। आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और भी खास जो अतिथि हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आशा भोसले भी इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल हैं, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी वहाँ पर मौजूद। नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम to one of the greatest leaders this planet has ever seen, our most beloved Prime Minister, the truly one and only Gurudev Yugapurush, Shri Narendra Damodar Das Modi. A very warm welcome to His Excellency, the Honorable Governor of the State of Maharashtra, Adarniya Shri Bhagat Singh Ji, Koshyari Ji. I'm sure the audience will understand what kind of emotions I'm going through. It is so overwhelming to be in the presence of Gurudev, honestly. So, a very warm welcome to a galaxy of dignitaries that is here. There is an absolute galaxy of dignitaries present here. There is everybody from various walks of life, and there's such a large galaxy that I will simply say a very warm welcome, sirs, to all of you.
All these years, it was my father, Pandit Hridayanath Mangeshkar ji, who would always deliver the welcome address and give a little bit of information about our trust. This year, he is unable to do so because he is in the hospital currently. By the grace of God, he will be back home in the next 8 to 10 days. इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उस सम्मान को खुद रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो पहला अवार्ड उन्हें दिया जाएगा. और देखिए, लता दीदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में भाई बहन का रिश्ता शेयर करते थे. कई मौकों पर आपने लता दीदी को प्रधानमंत्री को अपना भाई बताते हुए, उन्हें भाई नाम से संबोधित करते हुए भी सुना. तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता दीदी के गानों को पसंद करते रहे हैं, उन्हें सुनते रहे. आइए कुछ ऐसे ही गाने आपको भी सुनवा देते हैं. स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर आज से इस अवार्ड की शुरुआत होने जा रही है. वहां से तस्वीरें भी हम आपके दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं. आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा. ये पहला अवार्ड, ये पहला पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा. प्रधानमंत्री के अलावा 4 और कैटेगरी में आज पुरस्कार दिए जाएंगे. आपको जानकारी दे देते हैं कि आज कुल 5 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें आशा पारेख, जैकी श्रॉफ को सिनेमा में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार स्पेशल ऑनर दिया जाएगा. इसी के साथ राहुल देशपांडे को इंडियन म्यूजिक के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि बेस्ट ड्रामा अवार्ड संजय छाया नाम के नाटक को दिया जाएगा. मास्टर दीनानाथ पुरस्कार आनंदमयी पुरस्कार मुंबई डब्बा वाला को दिया जाएगा. तो प्रधानमंत्री के अलावा कुल 5 अवार्ड आज दिए जाएंगे, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए. और अब से हर साल इस अवार्ड को देने की जो परंपरा है वो निभाई जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से हो रही. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.